किसान भाई, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज आपको दिखा रहे हैं हम जो ये दो प्रकार के मॉडल हैं पावर टिलर के, खेती के आपके 10 से ज़्यादा काम करते हैं, बहुत काम आते हैं खेती में, निराई गुड़ाई से लेके आपकी जो है फसलों में अलग अलग तरीके से पार्ट इसमें आप अटैच कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ये मशीन है। बाकी जानकारी इनकी हम जो है भैया से लेंगे। एक बार आप अपना परिचय कराइएगा सबसे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विपिन कुमार JS एग्रो इक्विपमेंट से, हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ये सर दोनों पावर टिलर है सर, आप देख रहे हो दो मॉडल है मेरे पास में। एक जो हमारा पुराना मॉडल था JS 1000 मॉडल, और अभी एक हमने दोबारा दूसरा लॉन्च किया है, ये आप देख रहे हो JX 2000 मॉडल है, लाइट वाला मॉडल है जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी में आया हुआ है। 7.5 HP का इंजन लगा हुआ है, पेट्रोल इंजन इसके साथ जी। और ये हमारा पहले मॉडल था उसके साथ था 7.5 HP के अंदर, और जो अभी हमारा मॉडल आया 7.5 HP के अंदर है। दो गियर इसके आगे के होते हैं, एक रिवर्स होता है। ठीक है, इसका थोड़ा मुझे आप प्रोसेस बताना, ऊपर से काम कैसे करता है, जैसे आपका यहाँ पे ऊपर से लेके जैसे गियर बक्सा हो गया, क्लच हो गया, ये सब बताना। ये यहाँ से सर आप देखते हो तो ये इसका क्लच होता है, यहाँ से इसका क्लच हो गया, यहाँ से इसका गियर सिस्टम होता है सारा, और ये एक्सीलेटर होता है रेस इसका, और ये इसमें लाइट का ऑफ का ऑन का आ गया, और ये इधर आपका रिवर्स गियर का आ जाता है। इसके अंदर पूरा टोटली मशीन इसका गियर सिस्टम है, जितना भी आप देख रहे हो। 7.5 HP का लाइट वाला मॉडल है सर, एयर कूल्ड इंजन बोलते हैं इसको, और सिलेंसर को भी हमने कवर किया हुआ पूरा, किसी का हाथ ना जले इसके अंदर जी। ठीक है, मतलब इनमें जो अंतर है सिर्फ, वो अंतर कितना है इन दोनों में? इसके अंदर सर ये 7.5 HP का इंजन आता था, ओल्ड इंजन आता था पहले, और एक दूसरा अभी नया टेक्नोलॉजी का इंजन आया टर्बो इंजन, ये अभी इसमें लाइट का प्रोविजन भी दिया हुआ है किसान भाइयों को। रात में भी आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए लाइट वाला मॉडल है ये। काम दोनों के सेम है? काम दोनों के सेम है। इसकी जो पावर है वो 7.5 HP की है, और इसकी जो पावर है वो 7.5 HP के इंजन के साथ में है। इनसे हम जो है काम क्या क्या कर सकते हैं, और पार्ट्स कौन कौन से इनके साथ अटैच कर सकते हैं? टोटली सर हमारी ये मल्टीपर्पज मशीन, आप देख सकते हो इसका जो रोटावेटर है ये 3.5 फीट का होता है, 32 ब्लेड की रोटरी होती है, दो साइड में डिस्क लगी हुई है इसमें। टोटली आप जो अटैचमेंट और भी देख पा रहे हो सब इसके अंदर अटैच हो जाती है, और जब आप इधर पीछे को आओगे तो आप देख सकते हो इसमें PTO शाफ्ट भी दिया हुआ है। कल को आपको इसके साथ में रिपर लगाना है या जनरेटर लगाना है तो उसके साथ में भी इसमें PTO शाफ्ट है। पीछे आप देखो सर, इसमें PTO शाफ्ट दिया हुआ है, इसके साथ में आपको स्प्रे पंप या रिपर अटैच करना है या कल को जनरेटर करना है तो वो भी इसके साथ में अटैच आप कर सकते हो। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रॉली का प्रोविजन दिया हुआ है सर, देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रॉली भी इसके साथ लग जाता है, 5 क्विंटल तक इसके साथ में आप सामान खींच सकते हो। आप इसके साथ में किसान भाइयों बाग के अंदर या निराई गुड़ाई सब्जी के लिए, जैसे आप इसके अंदर एडजस्टेबल रोटरी रहेगी, इसमें आप कम ज़्यादा करके भी चला सकते हो, इसका एडजस्टेबल रोटरी है और मल्टीपर्पज होती है। देखो कल को आपको कल्टीवेटर चलाना है तो ये भी इसके साथ आप चला सकते हो, ये सिंगल प्लाऊ है, एक साइड में मिट्टी पलटने का जो काम करती है ये चलता है, इसको बोलते हैं रिजर, जो दोनों साइड में मिट्टी लगाता है, जैसे आप सब्जी के अंदर चलाते हो तो उसके लिए काम आता है, ये लेवलर होता है ज़मीन को लेवल करने के लिए, ये लेवल करने का ही काम करता है। और काफ़ी अटैचमेंट इसके साथ में है सर, आपको मैं PDF भेजूंगा तो आप उसमें देख सकते हो, जो जो हमारे अटैचमेंट इसके साथ अटैच हो जाती है लग जाती है वो आपको हम भेज देंगे PDF के साथ में। मल्टीपर्पज मशीन है, इसके साथ में जो अटैचमेंट है कम से कम 30-35 प्रकार की अटैचमेंट इसके साथ में अटैच हो जाती है। हमें आप ये बताइएगा जो इसका पेट्रोल का टैंक है वो कितना है, और इसकी जो खपत है जुताई में वो कितनी है? इसका जो पेट्रोल का टैंक है वो 3.5 लीटर का टैंक होता है इसका, और 1 घंटे की इसकी फ्यूल की जो कंजक्शन है 1 लीटर होती है। 1 लीटर लेता है? हाँ जी हाँ जी। उसमें हमारा 1 एकड़ ये निकाल देगा? हाँ, करीबन ये 1.5 घंटे के अंदर 1 एकड़ में काम करेगा। ठीक है, और अगर हम इनकी गारंटी की बात करें तो आपकी तरफ से गारंटी में क्या चीज़ दी जाती है? गारंटी में जो टोटली जो हमारा सामान है इसका सारा गारंटी के अंदर आएगा, इंजन का गेयर बॉक्स का टोटली हम गारंटी देते हैं, वारंटी किसी को नहीं देते हैं। जैसे इसमें आपने रबड़ के टायर दिए हुए हैं, हाँ तो क्या हाँ। ये बदल सकते हैं इनको? हाँ जी, जब ये और आपको अटैचमेंट लगानी होती है, जैसे टायर हमारे कई जगह पे मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पे स्लप निकलता है टायरों का, तो वहाँ पे आप लोहे के टायर लगा के भी काम कर सकते हैं उसके साथ जी। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में तो और भी बहुत मशीन है इस तरह में, लेकिन आपका जो ये प्रोडक्ट अलग क्यों है उनसे? देखिए जी सर, हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है इसका सर, जैसे हमारा इंजन है एयर कूल्ड इंजन है, और इसमें सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे आपका इंजन गर्म हो जाता है तो आपको ऑटो कट करेगा, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, इसमें सेंसर सिस्टम होता है तो इसके कारण क्या होता है आपको पहले ही पता चल जाएगा, मशीन में कोई नुकसान नहीं होने देगा, इसके अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं, यानी मशीन की सेफ्टी का काम करता है। सेफ्टी का काम करता है, इसके अंदर सेंसर होते हैं और आपको पहले ही आपको पता चल जाएगा भी अभी कोई मशीन में फॉल्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिक इंजन आपका बंद हो जाएगा। अभी हम पहले ना आपकी मशीन चला के देखेंगे और फिर बाकी बात आपसे बाद में करेंगे। हाँ जी, आपको लाइव डेमो देते हैं, अब एक एक अटैचमेंट आपको चला के दिखाएंगे पूरा टोटली।
किसान भैया, हमने अभी आपको मशीन चला के दिखाई और हमने जो मशीन चलाई एक फार्मर के खेत में चलाई, जो वो भी यहाँ पर मौजूद थे और वो किसान भी हमारे साथ है जिनके खेत में मशीन चलाई, उन्होंने भी ये चला के देखी, उनसे ही जानेंगे कि ये मशीन कैसी लगी। एक बार बताइएगा कि आपको ये मशीन चला के देखी कैसी आपको लगी? ये बहुत बढ़िया लगी जी। मतलब चलने में कैसी थी? चलने में एकदम ओके जी, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चल रही है, बिना दाब लगाए बिना हाथ लगाए, ऐसे खाली छोड़ दें खुली छोड़ दें तो अभी सीधी चल रही है जी। सीधी चल रही है। आपने काफ़ी कौन कौन सी जुताई करके देखी इसमें? इसमें रोटावेटर चलाया है जी, हल चलाए हैं जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं, आपने सब देखा चलता है? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें कुछ दिक्कत लगी आपको? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। तो मतलब आपको क्या विचार लग रहा है, इसका लेने का विचार है या फिर नहीं? हाँ हाँ अभी देखते हैं जी, जरूर लेंगे, अभी एक दो दिन में ही लेने का विचार। पहली बार इसको देखा तो पसंद आ गया? हाँ हाँ जी। एक तो इसकी कॉस्टली वैल्यू कम है जी। अच्छा, पहले हमारे पड़ोस में ले रखी एक दो ने, कोई कहता है 70,000 के लिए, कोई कहता है 1,25,000 रुपये में लेके आया हूँ, ये मात्र 48-50,000 रुपये की बता रहे हैं। मशीन काफ़ी बढ़िया चली और फिर हमने किसान का भी रिव्यू लिया जिस किसान के खेत में मशीन चली, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया मशीन के बारे में। अब हम आपने आपसे जानना चाह रहे हैं कि इतने काम करने वाली मशीन की कीमत आपने क्या रखी है? सर कीमत हमने बहुत सोच समझ के रखी हुई है इनकी, किसानों के लिए सर। जो हमारा लाइट वाला जो आपको डेमो देके दिखाया मैंने ये मॉडल, ये हमारा जो रहेगा ये आपका 48,000 रुपये का मॉडल है, ऑल इंडिया आपका डिलीवरी फ्री रहेगा। और जो अटैचमेंट आपको 4 अटैचमेंट दिख रही है, सिंगल प्लाव हो गया, डबल प्लाव हो गया, लेवलर हो गया और एक कल्टीवेटर, इनके साथ में इस मशीन के साथ में 2 अटैचमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी 48,000 रुपये के अंदर, डिलीवरी चार्ज आपका फ्री रहेगा। कोई से दो ले लो, कोई भी इनमें से चारों में से 2 अटैचमेंट इस मशीन के साथ में ले सकता है। और दूसरा हमारा मॉडल है ये, इसके साथ में इसका कोई भी चारों में से 1 अटैचमेंट ले सकता है और 45,000 रुपये इसका कॉस्ट है। तो इसमें 45,000 वाले के साथ में एक आएगी, इसके साथ में एक कोई भी आप ले सकते हो। रबड़ के टायर रहेंगे 2 और 3.5 फीट का हमारा जो रोटावेटर इसमें आप लगा हुआ देख रहे हो, 32 प्लेट की रोटरी है, साइड में 2 डिस्क है, टूल किट है इसका पूरा, कम्प्लीटली मशीन आएगा आपका। अब आप हमें ये बताइएगा कि कोई इनको मंगाना चाहे तो मंगा कैसे सकता है? मंगाने के लिए बहुत आसान तरीका है सर, मेरा नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। जो बाकी की पूरी जानकारी है वो मेरी टीम आपको देगी। और जब मंगाने के लिए आपको मंगवाना है आपके डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, आप कहीं से हो सर, तो आप उसके लिए आपको बुकिंग करवाना पड़ेगा। बुकिंग के जो अमाउंट है इसकी 5,000 रुपये अमाउंट आपको पहले देनी होती है, बाकी जैसे ही आपके वहाँ पे पहुँच गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपको ट्रांसपोर्ट से कॉल आ गई भी ऐसे ऐसे आपका कोई प्रोडक्ट आया यहाँ पे मशीन आया, तो आपको वो बता देगा। उस टाइम आपको जो बाकी का बैलेंस है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी डिलीवरी वो घर पर होगी, डिलीवरी आपकी फ्री रहेगी टोटल ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर हो। तो दोस्तों मैंने नंबर जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल दिया है, आप कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं।